मौजूद साबिना सलाम अलैकुम हूँ हसन परवाज गुजरी प्रोग्राम ले गया थारी खिदमत में हाजिर हाँ मेरा उम्मीद है कि तुम सब खैर सुखे वेंगा और अपना अपना कम काज में मसरूफ वेंगा। या आवाज़ है हसन परवाज की। हसन परवाज गुजरी का एक नामवर अदीब ते ब्रॉडकास्टर हैं। उनने अपनी जिंदगी का 40 साल गुजरी जबान और अदब की खिदमत करता वहां गुजारिया। तो जनाब जो थो गीत पुष्पांश की आवाज में इसराइल असर को कलाम थो तो जून को भी नुआ गर्मी जड़ी है वह खासी पखी हुई है। आकाशवाणी जम्मू तो जद भी उनकी आवाज गूंजी है उनने हजारा लोगों ना अपने दर खिंचो है। गोजरी जबान वास्ते उनकी खिदमात ना मनता वा साबक वजीर ते गद्दी नशीन दरबार लाल शरीफ मियां अल्ताफ अहमद ने क्यों परवाज साहब की जड़ी हर परवाज थी अल्लाह ताला ने उन्होंने इसमें कामयाबी दी थी। सबसे बड़ी गल यह है कि हसन परवाज साहब को जब तक मेरी रीडिंग है वो नहायत ही असूल परस्त हक गो सचो इंसान है। किसी नाल मैं वो कदे हसद या जिद कर तो नहीं देखियो। जम्मू का गोजरी प्रोग्राम ना उसने अपनी कोशिशों और अपनी मेहनत नाल चार चंद लाया और बहुत तरक्की उसका जमाना पर इस प्रोग्राम ने की। खास तौर पर बहुत ज्यादा खासा हमारा कौम का नया आर्टिस्ट शायर अदीब उनकी उसने बड़ी हौसला अफजाई की और कई नवा चेहरा जड़ा है इस अदब का हवाला नाल होवे या कोई दूसरा फील्ड चाहे एजुकेशन को थो स्पोर्ट्स को थो कल्चर को थो उन्होंने इंट्रोड्यूस कियो उनकी हौसला अफजाई की और उसमें बड़ो एक आत्सियो थो गोजरी प्रोग्राम जम्मू को थो जिसके पीछे इनको दिमाग काम करे थो वे इस तम सारा ही जाने और मेरा तो बेहतर जाने कि वे वो बहुत अच्छा अदीब भी हैं शायर भी हैं तो ड्रामा भी जिड़ा उन्होंने डायरेक्ट किया लिखिया या जिन्होंने प्रोड्यूस किया वो भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो या बल्कि या कल अगर कही जाए तो गलत नहीं कि वे हर फन मौला है तो सिलसिला है नक्शबंदिया और हजरत जनाब बाबा जी साहब और बाबा साहब का बारा में उन्होंने जो कुछ लिखे उनका लखा मरीज जड़ा है वे इस सिलसिला में हसन परवाज साहब का मशहूर है। मेरा वालिद साहब नाल उनकी कई अदबी मामलों पर बहुत बार बहस होती रही है गलबात होती रही है और मेरा वालिद साहब उनकी राय भी लेता रहे हैं उस राय पर अमल भी करता रहे हैं ते दुआ को कि अल्लाह ताला उन्होंने ठीक रखे उनकी सेहत ठीक रखे उन्होंने अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। रेडियो वास्ते उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। रेडियो में 4 जून 1983 ना बाकायदा तौर पर शुरू कर नौ साल हूँ पहला आ गए थो यानी जून 1982 में आ गए थो लेकिन जी बाकायदा मेरी सर्विस शुरू हुई है वह 4 जून 1983 तो सरकारी तौर पर कागजों पर गिनी जा रही है और उसल जी आज मारी अब कंपलैक्स है यो नहीं वह थो बल्कि एक पुरानी गोल जी इमारत वह थी और उसमें बड़ा बड़ा खुला कमरा वह था। तो जून का महीना में मैं जो है माइक्रोफोन के सामने बैठो और मेरी वह पहली आवाज़ जून का महीना में 1982 में गई। पहली खबर जी मैं रेडियो पर शुरू की वह भी 1982 में ही की और मेरा नाल उस जो साथी था वे था महमूद राणा साहब था मुंशी खान चौधरी साहब था और उस तो पहला वजीर बजरान साहब वे था वे मेरा जान तो पहले उतू जड़े वे चले गया था दूजा महकमामा। गोजरी जबान और अदब ते रेडियो जम्मू का गोजरी प्रोग्राम वस्ते हसन परवाज की खिदमात को एतराफ़ करता वा डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव कौंसल जनाब जावेद राणा ने क्यों। हसन परवाज साहब की एक कंट्रीब्यूशन है गोजरी वास्ते और जितनी भी मारी जी बाकी जितनी भी जबान है उन्होंने वास्ते बहुत कंट्रीब्यूशन है और खासकर गोजरी वास्ते उन्होंने गोजरी अदब वास्ते बहुत काम किया है और मारी दवा रहेगी उन्होंने नाल के आगे भी इंशाल्लाह काम करता रहे और कौम की खिदमत करें जबान की खिदमत करें और इस तो आगे भी इंशाल्लाह उन्होंने वास्ते काफ़ी मकाम इन्हें दिखेंगे जी। हसन परवाज साहब में इस अदब की नुमाइंदगी करनी है और इस जबान को और इस जी पुरानी जबान है जी इस मुल्क की जी दफ्तरी जबान रही है
जी मंदिर गुरुद्वारा की जबान रही है और जी जबान पूरा आर्यावर्त में बोली जाए थी और इस वक्त भी जी अफगानिस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मैक्सिमम स्टेट्स में बोली जाए उस जबान की खिदमत करें। पूरी दुनिया में जित भी गोजरी जबान बोलन या समझने वाला लोग मौजूद हैं वे हसन परवाज का ना तो वाकफ हैं। मेरा जो पैक्स वह थो गोजरी सेक्शन को वो सलामुद्दीन बजाज साहब था और जड़ा प्रोड्यूसर था उस वेले वे था फैज़ कसाना साहब और पांच बंदा मर मुश्तमिल वह थी पूरी गोजरी सेक्शन और उस वेले जो प्रोग्राम वह थो अद्धा ही घंटा को वह थो और पाँच मिनट की खबर वह वे थी। हसन परवाज अपना साथियों को मुझ सोनी तरह नाल जिक्र करें। रेडियो जम्मू का गोजरी प्रोग्राम का मास्टर जी मुंशी खान चौधरी और ने दस्यो तो हसन परवाज साहब ने एक ही पन्या पन्या चौं चौं आदमियों को काम रेडियो पर कर दस्यो और किसी के सामने जनू नहीं टेक्यो। फिर जितनी अच्छी गोजरी जबान हसन साहब बोलने था इतनी मिन्ना अंदाजो है कि शायद सुनकोट का लोग इस चीज न जानता रहेगा और पुंछ का लोग भी जानता रहेगा कि गोजरी के चीज है और हसन साहब के बोल पर ही। इस अलावा अगर उनकों के आज तक रेडियो कश्मीर जम्मू से ऑल इंडिया रेडियो जम्मू से अगर गोजरी प्रोग्राम ना जिंदा रखे है तो हसन परवाज साहब ने रखे। मैं जनाब जरा मैं पहला अर्ज किया कि 1982 में ज्वाइन किए थे लेकिन बाकायदा जी मेरी सर्विस शुरू हुई बाद 1983 तो शुरू हुई जी गिनी जाए सर्विस जल्द तो इस तरह 38 साल तो 27 दिन जनाब हो गया पूरा तो अगर साल वो पिछलों भी गिने जाए तो फिर 39 साल ला लियो तो महीने चु 3 दिन घट भी। यो रेडियो कश्मीर जम्मू है हूँ तो मसन प्रवास को खबर सुनो जाहिर है थारी याद भी इसी तरह ताज़ा हुई है कि जिस तरह मेरी याद ताज़ा हुई है या हमारे को एक बुनियादी तारफ है हसन परवाज साहब को कि जो बचपन तो रेडियो के जरिए सुन लगा उस तरह तो परवाज साहब ने कदम देखे नहीं थो फिर सुनता सुनता बड़ा हो गया फिर नजदीकों भी उनको तारफ हुआ और उनका कामकाज का बारे में भी पतो चलो। आज जिस तरह परवाज साहब के बारे में गल करूं मैंने एक चीज मेरा जहन के बीच आवे कि मैंने लगभग 6 जुबान है जो समझ सकूंगा और बोल सकूंगा और उनके पीछे 4 जुबान ऐसी है जिन्हें बेहतरीन तरीका लिख भी सकूंगा और पढ़ भी सकूंगा खुशी वह लेकिन गोजरी ऐसी जुबान है कि जेडी मां बोली है इसमें अगर पूछेंगे या दसन की जरूरत भी नहीं है कि इस जुबान के नाल जिस किस्म की खुशी महसूस हुआ एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन बल्कि एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन सुन गए या बोल गए वह ऐसी दूसरी किसी जुबान के बीच नहीं होती और इस जुबान ना मजीद मकबूल बनाने वास्ते इस ना मजीद मशहूर बनाने वास्ते और लोगों तक एक वाइडली आसान तरीका के नाल इंट्रोड्यूस करने वास्ते मेरे ख्याल में जिस कदर हसन परवाज साहब की कंट्रीब्यूशन है वह बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है और मारे वास्ते है और मारी अगर तो जी नौजवान यंग पीढ़ी है उन वास्ते भी वह एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। परवाज साहब ने अपनी आवाज का आर्ट गजरी है और अपना लिटरेचर गजरी है सिर्फ मुकामी सतह तक नहीं जम्मू कश्मीर तक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में कौमी सतह पर और मुल्क तो बाहर भी जड़ा गोजरी ना बोलन आला है समझन आला है उन तक तो पहुंचाई बल्कि उन तो बाद भी जा गया उन तो पीछे भी जा गया जड़ा लोग दिलचस्पी रख सके जुबान में उन तक भी जुबान ने उन्हें पहुंचाया 12-15 के करीब उनने किताब लिखी है लिटरेचर के पीछे इतनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है और आर्ट जो उनकी जुबान को आर्ट है यो अपना आप के पीछे यो एक खुदा की तरफ देते हुए भी वह लेकिन इसके नाल एक मुसलसल मोहब्बत करनी पोया मुसलसल रियाज करना पोया और परवाज साहब ने अपनी लाइफ को जो प्राइम टाइम जिसने कहे वो सारो इसके पीछे उन्हें इन्वेस्ट की हो दीवानगी की तरह मोहब्बत की तरह उनने जुबान की खिदमत की है। इस खिदमत वास्ते मेरे ख्याल में वे हमेशा हम उनका शुक्रगुजार रहांगा और हमारी कौम है जड़ी अगे उन वास्ते उनकी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि जिस मोहब्बत के नाल परवाज साहब ने काम कियो उस मोहब्बत के नाल हमने लगातार मुसलसल जुबान की खिदमत करता रहना चाहिए ताकि यह जुबान मजीद मकबूलियत हासिल करे। हसन परवाज का नेड़मा संगी रशीद आजम इनकलाबी जिड़ा के जम्मू कश्मीर सरकार मां एक उच्चा ओहदा तू रिटायर होया है उनने अपनी हसन परवाज साहब नाल रफाकतों बारे इस तरह दस्यो। हसन परवाज के नाल मेरी एसोसिएशन बहुत लंबा अरसा तक रही है इन्ना मा जड़ो एक मदब्बरपन है एक ठंडोपन है एक समुंदर की तरह इन्ना मा एक ठहराव है हमेशा मुस्कुराता रहना और मुश्किल ते मुश्किल कड़ी भी आवे ते इनकरेज करते रहना और रेडियो स्टेशन के ऊपर
इन्होंने जी खिदमात है वे हमेशा वास्ते याद रखी जाएंगी। इन्होंने कम्युनिटी वास्ते जितना भी सोशल इवल्स थी उन्होंने पर डिस्कशन कर गए, और जिस तरह ऊंजा कहूंगा कि जिस तरह आदमी बाहर जहान ना देखा है, जिस तरह वो नजर में जो चीज बात नजर में आवे चाहे अच्छाई है या बुराई है, इन्होंने उसी तरह कर गए कम्युनिटी में समाज में जड़ी भी बुराई थी उन्होंने सामने लियान वास्ते उन्होंने सुधारन वास्ते इन्होंने रेडियो पर अनथक मेहनत की और बहुत सारा मकाला लिखा। असल में जो है विजुअल है जो जिस तरह वीडियो का आम जबान में वीडियो का वीडियो और ऑडियो जो सोती अंदाज में जो है वो किस तरह रेडियो तो ज़्यादा सोती आवाज़ ही नाल चले तो, लेकिन जिसल जो सोशल मीडिया जो है इसको सिलसिलो शुरू हो तो कुछ एक आना भी दायित आई कि तम ये इसका कुछ थोड़ा पीस जड़ा है सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट कराया करो। फिर अच्छा वीडियो के सामने लोगों ने बसाड़न और उन्होंने उस तरीका के नाल रखनू कि हल्ले जुले भी ना जनाब उ पर हाथ हाथ भी ना मारे तो वो बड़ो एक औखो कम वै थो, तो कई दफ़ा फिर उन्हें समझाने पै थो जना बिल्कुल तने खंघनू खुरकनू जो है पहले कर लियो तो जिसलै तुम जो पाँच मिनट कम से कम गावेगा तो यो तने इसमें बिल्कुल हलू जुलू नहीं हाथ नहीं लाना कि लाणो नहीं कि नक नहीं मल लो कि मूँह का नहीं लाणो तो कि बिचू खंघनू नहीं, तो ये चीज़ जी है ये रस्ता में हायल होती रही। फिर खास करके जनाब राय साहब उन्होंने दसूँ कि जिस तरह बार जाता रहा रेडियो प्रोग्राम करने वास्ते फील्ड में, क्योंकि रेडियो जो है जो दो तरीका नाल कह तो एक तो पर्दा के पिछे तो कम करे तो स्टूडियो में जो स्टूडियो में रिकॉर्ड करा था लोगों आवाज़ का रिश्ता गया नाल वो सुना देवा था, दूजो जो उतो जल्द लोगों में जा गया स्टेज पर प्रोग्राम करना लोगों के बिच जा गया रूबरू हो गया उत्ते एक बहाना जहाँ हौसला अफजाई भी वह थी कि लोग जरा बड़ा घूमड़ घूमड़ के आवे में था कि ये वे रेडियो पर बोलने वाला है जी जिन्हें नाम देखा है जी, या लोगों ने एक बड़ी वह थी और उस मारी भी छाती जी आवाज जनाब खासी फूल जाए वह थी। एक वक्त थो जनाब कि मारो जो पहले सिलसिलो वह थो जरा हूँ तो फोन शुरू हो गए पहले चिट्ठियों को सिलसिलो वह थो और चिट्ठी जड़ी थी आना पाकिस्तान तो भी बड़ी चिट्ठी आवे थी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर तो चिट्ठी आवे में थी बाकायदा एक सिलसिलो आने बधारगो दिन रखे हुए थो थारी चिट्ठी मिली बारगो दिन रखे हुए थोड़े थारी पसंद प्रोग्राम जिसमें सिर्फ फरमाशी खत जरा पढ़िया जिमें था और बधार ने खतों को जवाब देनो और लोग जनाब इतना लम्मा खत लिखे हुए था अपना मसला मसाइल के बारे कि वे सोचे था कि रेडियो पर या जनाब चीज़ गई या सीधी हुकूमत तोड़ी पहुँचेगी उस हिसाब के नाम उन्होंने वे मसला मसाला अपना लिखा हुआ था, लेकिन हम भी उन्होंने पूरी जगह दिया था बाकायदा तौर पर कई दफ़ा तो कोशिश यह भी की जाती कि जरा मतलका अहदेदार है उन्होंने भी राबतों की हो जाए और उन्होंने चिट्ठी को हवालों देगा पूछो जाए कि फलानी जगह तो आना चिट्ठी आई है उसमें ये चीज़ जी लिखी गई है तो थारो इसमें की कहना तो वे अपनों जो है उस पर जो रद्दे अमल है वे देवे था, लेकिन चिट्ठियों को अंदाज जरा मारो अपनों वह थो खासकर जैसे मेरा सीनियर साथी था मुंशी खान चौधरी अल मारूफ मास्टर साहब तो वे चिट्ठियों का जवाब देवे था कई दफ़ा हूँ जवाब दे तो वे पढ़े में था तो वो एक बड़ो मुनफरिद मारो जो है वो सिलसिलो वह थो लोग उसने बड़ो पसंद करे में था चिट्ठियों में वो जड़े वे लिखे में था। जिंदगी जनाब इस तरह है कि मेरी जिंदगी जड़ी है जाहिर है कि जिसल हूँ जम्मू आए मैं यूनिवर्सिटी में आए थो रजौरी तो 1981 में यूनिवर्सिटी में आ गयो ला महकमा में जी है वो डिपार्टमेंट में एडमिशन ली थी वो ला करता करता मेरी जी है पहला तो सिलेक्शन एज ए टीचर हुई 15 दिन में वह टीचरी भी की और उस दौरान मेरी जी है सिलेक्शन रेडियो पर हो गई जित मैं कदे सोचो भी नहीं थो कि रेडियो पर भी मैं जाकर सर नौकरी करनी है। तो फिर जाहिर है कि पहला कोई शुरू का दिन उ पर गुजारिया लेकिन बाद में गुजर नगर जो मैं एक अपनों छोटो जो मकान बनायो और उसमें जी जिंदगी बसर की और उसमें 1985-86 तो ले गए और 2011 तक उस गुजर नगर का मकान में हम रहा। फिर जनाब बठिंडी में जगह ले ली और बल्ले बल्ले वो तो मकान बनाना शुरू कियो को दो त्रै साल मलक मार्केट पर गुजारिया जिस थोड़ी जो मकान मुकम्मल हो तो और 2012 में हम इत आया तो 2012 तो बाद जनाब अले तक कितने बठिंडी इस मकान में और इत जिंदगी का दिन गुजर रही है। जो मेरो जन्म है जनाब वो है दराबा खेतों को तहसील सुरनकोट जिला पुंछ और छोटी उम्र में हम जो 1968 में आ गया वा था रजौरी और फिर जी मेरी तालीम की शुरुआत जी है वह रजौरी में हुई है। तो दराबा खेतों की मैंने थोड़ी थोड़ी पतलेरी पतलेरी याद है कि किस तरह जनाब हम उन्होंने पराठियों वर्क सिटी मारा वहाँ था केंथियों कुछ ही लोड़ा वहाँ था
और बाकी जड़ी बच्चा उस वेले खेड खेडे में था वे खेड याद आवे उतरले बस संतोलियो खेडनू खीनू खेडनू वे चीज निका निका गया जड़ा रल गया निका बच्चा खेडता रहे में था कोठो चाड़नू है जी पत्थरा को निको निको टारा चाड़ता रहनू वे चीज जड़ी वे आज भी आवे और मिना वो मारा कोठा के पीछे एक करूंगो बूटो वह थो वो बिना आज भी याद आवे लेंगे वो तो उन वो नहीं है ना वो कोठो है ना वो करूंगो बूटो है लेकिन कई दफा आंख मीच के याद करो तो बिना वो उसी तरह याद आवे कि कोठा का चंदा के नाल जनाब करूंगो एक बूटो वह थो और इसरा नाल एक कसी वह वह थी वे सारी चीज जड़ी वे आखा फिर जे और हूँ तमें दसूँ कि बचपन की याद जड़ी है ये कदे भुलती नहीं ये हमेशा सजरी रहे और आदमी ना जो रूह कैद जो उन्होंने जगह जाकर दोबारा देखी हो जाए उस तो 1968 तो बाद फिर मारो बस जो रहन सहन रजौरी में हो गया देरियाँ रजौरी मेरे ग्रां है और फिर अगली तालीम भी मेरी उत्ते ही हुई उस तो बाद मेरी जी ग्रेजुएशन है या डिग्री कॉलेज पुंछ तो हुई और डिग्री कॉलेज पुंछ तो बाद फिर जो हमें पहला अर्ज किया कि हूँ जम्मू आ गए और यूनिवर्सिटी में दाखिलो ले लियो मेरे जो जो लिखने को सिलसिलो है जो असल में जिस अदारा नामा मुलाजमत करने वास्ते आयो जो एक अदबी अदारो थो जिसको तल्लक ज़्यादातर अदबी लोगों नाल थो लिखाड़ी लोगों नाल थो कुछ लोगों ना हमने जड़ो है जनाब एक लिखाण को हौसलो दितो प्लेटफार्म दितो वे लोग जड़ा पंजाबी में लिखे में था गोजरी तो दूर था चके में था लोग नहीं लिखे में था गोजरी हमारा बड़ा बड़ा शायर जड़ा पंजाबी में लिखे में था लेकिन जिले रेडियो पर किसी एक को कलाम गयो किसी एक की जड़ी गलबात नशर हुई जिस तरह हमने एक पहला शुरू शुरू में एक सिलसिलो शुरू कियो थो आज अमीन कमर हमारा दरमियान मौजूद नहीं है उन्होंने दो गल बाबुआ नाल दो गल रिश्वत खोरा नाल ये इस तरह तमसीली जड़ी गलबात है वे शुरू की मोहम्मद सलीम पट्टी साहब की गलबात इस तरह थी दो गल नशा खोराना नाल दो गल जनाब उस्तादा नाल दो गल तालिब इल्मा नाल इस तरह का सिलसिला ने शुरू किया फिर मजहबी अमूरवर जड़ी गलबात हमने शुरू की मुफ्ती हजरात मौलाना हजरात ने बुला गया वे जड़ी गलबात सहल अंदाज में लोगों थोड़ी गोजरी में पहुँचाता रहा बाकी जड़ा महाराज अदबी लोग था तो उन्होंने बख बख मौजुओं पर लिखवाणो अफसाना लिखने वाला कहानीकार जड़ा था उन्होंने को कहानी लिखवाई शायर को जी वे नज़म लिखाई जिस तरह एक दो की नशर होने लगी दूजा नाम भी जनाब हिम्मत होने लग गई वे भी लग गए लिखन और खुशी वाली गल यह है कि एक वक्त ऐसा आयो कि दूजा लोग गोजरी में लिखन लग गया जरा पहाड़ी लिखने वाला गोजरी वाला पासा मुड़ आया और उर्दू हिंदी लिखने वाला गोजरी वाला पासा मुड़ आया पंजाबी लिखने वाला गोजरी में लिखन लग गया जरा कुछ एक दो नाम ले सकूँ हाँ जरा दर्शन सिंह अकाली साहब पुंछ का वे था उन्होंने गोजरी में लिखे के डी मैनी साहब जड़े वे गोजरी वाला पासा मुड़िया और अज तक वे गोजरी में लिखे और इसी तरीका के नाल जनाब साबर मिर्जा साहब था और शाहबाज रजौरवी साहब था अब्दुल रशीद फिदा साहब था ये वे लोग था जड़ा के दूजी जबान में लिखे था इनकी मादरी जबान भी दूजी थी लेकिन इन्होंने गोजरी ना चुनियो पसंद की और कुछ लोगों ने तो अवार्ड ले लियो जरा ततलूस किताब पर जम्मू कश्मीर अकेडमी ने शेख आज़ाद अहमद आज़ाद ना बाकायदा अच्छी किताब बेस्ट बुक को अवार्ड दितो जड़ी गोजरी में लिखी हुई है तो हमारा वास्ते यह बड़ी खुशी वाली गल है कि पहला आम जनाब कहें कि उनका बड़ा मज आ गया अलबा मामा था तो बाद में जनाब वे मारा बड़ा तोड़ी पहुँचा और मारा घर तोड़ी पहुँचा और उन्होंने गोजरी लिखनी शुरू की। हसन परवाज ना सिर्फ एक तर्जमाकार हैं एक अदीब हैं बल्कि कल्चरल अकेडमी की मुझ सारी जी हमारी कमेटी है उन्होंने मैंबर हैं और वे अपना जरा एडवाइजरी नोयट की मुशावरत की कमेटी है जिन में उन्होंने बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है वे गोजरी में ना सिर्फ सुजेस्ट किया बल्कि खुद भी किया और लोगों ने मुतवजा किया है उन्होंने बहुत सारा फनकार उन्होंने नाल अदीब उन्होंने जुड़िया है और कॉन्फ्रेंसा में इन्होंने बहुत अहम किस्म का रिसर्च पेपर पेश कर गए गोजरी जबान का वादा वास्ते काम किया उन्होंने 40 साल तो जो काम वे गोजरी जबान के अदब वास्ते कर रहे हैं वो उसकी कायम मिसाल जी है दूजा दूजी तरफ नहीं मिलती गोजरी जबान वास्ते हसन परवाज को कम ला मिसाल है। हसन साहब नाल मेरी लंबी एसोसीएशन है उनके नाल काम करते रहो रेडियो पर न्यूज़ पढ़ते रहो और मैं देखियो कि वे नायती सादा तबीयत का हैं एक दोस्त नवाज हैं और बड़ा खुश रहना आदमी है। हजरत मेरी जड़ी किताबें ये ज़्यादातर तो कल्चर अकेडमी ने छापी जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी ने छापी हैं और भी तो ज़्यादा ही वेंगी सारी और जड़ी मेरी कुछ ज़ाती किताबें इस वेले 5 किताब में ये लॉकडाउन का अरसा में जड़ियाँ तैयार कर ली हुई हैं जिसमें एक किताब है वलियों की वलायत या जिल्द पहली है और एक कखा की कुल्ली ड्रामा पर मुश्तमिल किताब है या वह भी तैयार है। एक मैं तर्जमा ही की हुआ है जनाब द पैगम्बर ऑफ डेजर्ट्स पैगम्बर सहरा और उसको गोजरी तर्जमों की हुआ वह भी तैयार है।
एक मैं किताब और लिखी है जड़ी के बाकी लोगों ने जड़ी किताब लिखी हुई है उनके ऊपर तबसरा किया हुआ है मैं जड़ा तो परचोल उसको मैं ना रखे हुआ परचोल ना की वह किताब है जड़ी के दूजी गोजरी की किताबों पर तबसरा वर्म अपनी वह किताब है तो वे मेरी ये जड़ी चार किताब इसलिए छापे खाना जड़ियाँ चढ़ने वास्ते तैयार हैं इंशाल्लाह जल्दी छाप के सामने आ जाएंगे। उस तो पहला अगर तुम तर्जमा का काम होना लेंगा तो मैं इब्ने खलदून की जड़ी पांच जिल्द जड़ियाँ भी लिखी और अच्छी खासी मोटी मोटी जिल्दें जैसे ज़्यादातर सफ़ा की जड़ी है वह एक जिल्द है। फिर गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी ने वह भी छापी और वह गोजरी में जनाब बाकी सारी जबाना में तकरीबन वह जड़ी वह तर्जमा हो चुकिया हुआ था उसका गोजरी ने भी एजाज हासिल हो कि गोजरी ने भी उसको जड़ो तर्जमू गोजरी ने भी गांधी जी की जड़ी है आप बिरती उसको गोजरी में तर्जमू मैं की हो। फिर इसके अलावा शिबली नमानी की किताब अल फारूक उसको गोजरी में तर्जमू की हो। फिर कुछ जड़ी थे अफसाना था चोणमा अफसाना कृष्ण चंद्र जी का था जहाँ मुंशी प्रेमचंद साहब का था वे गोजरी में जड़ा वे इकट्ठा किया और उनको जड़ो तर्जमू की हो। तो इस तरह जो शाहने गुजर शाहने गुजर में जड़ो वो गोजरी का नाल ना मैं उसमें जमीमा जड़ा वे नाल लाया जड़े उसलै अगर रियासत पुंछ को किधर जिक्र थो तो मैं उसने आज मौजूदा जड़ो पुंछ को जिक्र की हो कि उसमें आज की सूरत हाल की है और जड़ी उसलै की आबादी दसी भी थी कि जनाब पुंछ की आबादी इतनी थी रजौरी की इतनी थी कि मैं जनाब जड़ी 2011 की मरदमशुमारी थी उसका जड़ा वे टेबल जड़े वे शामिल किया कि आज सूरत हाल जड़ी है वह उतरी है। बाकी इस तो अलावा जनाब टी वी वास्ते ड्रामा लिखिया भी और उनमें जनाब किरदार भी निभाया और इसी तरह कुछ फीचर डॉक्यूमेंट्री वगैरह टीवी वास्ते लिखी हुई जड़ी काशर चैनल वास्ते वे थी या फिर दूआ प्राइवेट जड़ा कुछ प्रोड्यूसर वगैरह आवे में था वे रिकॉर्डिंग करके ले जाए उन वास्ते स्क्रिप्ट लिखिया भी और उनमें जड़ा किरदार भी अदा कियो। तो ये भी मेरे ख्याल में अगर टीवी का वालना गल कीजिए ना कुछ तो जड़ा तो किस्तवार था वे लिखा 10-10, 12-12 किस्त का भी था तो 5-7 वेंगा ये भी और इसी तरह डॉक्यूमेंट्री जड़ी थी वे भी 8-10 जड़ी वे टीवी वास्ते लिखी और उस तो अलावा रेडियो का वालन अगर गल की जाए तो रेडियो में जो ड्रामो और फीचर एक बड़ा जरूरी फॉर्मेट है मतलब तम बाकी जबाना में अगर ड्रामो हो रहे तो गोजरी में नहीं हो रहे तो कमी महसूस की जाती कि गोजरी में भी जो होना चाहिए और बाकी तो पूरी सैक्शन जड़ी है वे इन चीज़ों वास्ते वे थी पूरी सैक्शन ड्रामा सैक्शन करनी वह थी और इसी तरह म्यूज़िक सेक्शन जिस तरह करनी वह थी लेकिन हमने से ये सारी चीज़ जड़ी हैं गोजरी सेक्शन में ही जड़ी वे पैदा की और गोजरी सेक्शन तो ये की आने ड्रामा इसलिए जड़ा मेरा अपना जड़ा लिखा हुआ है वे 25 ड्रामा है जिन बिच एक ड्रामा पर मैंने कल्चर अकेडमी की तरफों बेस्ट अवार्ड भी मिलो बेस्ट ड्रामा अवार्ड मिलो लिखण को और उस तो अलावा जड़ा है एक ड्रामा को जड़ो असल में जड़ो जो सोती अंदाज में ड्रामो लिखण है जो थोड़ा जो मुश्किल है विजुअल तो क्योंकि इसमें ताने साउंड इफेक्ट के नाल वो एस्टैब्लिश कर रहा है उसका पस मंजर में ताने जो तम बोलें लगा हुआ वही चीज़ पीछे लानी है उनकी आवाज़ देनी है ताकि सुन नाल अगर अख मीच के सुने लगो वो तो उसने जो पूरा मंजर जो उसके अखों के आ जाए कि जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी और जो बिल्कुल वह लगो वो इसलिए तो मैं एक ड्रामो लिखियो बेमंजिल का मुसाफर एक जड़ा ये हमारा खाना बदोश है इनको एक रस्तों पकड़ियो उससे रस्ता पर वो सारो जड़ो वो वाड़वन टोक जाने वाला जड़ा था मरगन टाप तो किसरा टपे जा पर तू जड़ो है किश्तवाड़ जिला का अदूद में जिरा वे पहुंची उसलै उन्होंने के औखत आवे जनाब तो वो जिरा आंधी चखड़ करीड़ी जिला शुरू है ऊपर मिलीटेंसी को दौर भी थो तो वे सारी चीज़ जी वे उसमें साउंड इफेक्ट के ना क्रिएट की कुछ फनकारा को उसे अंदाज में घुआयो वे बोलिया फनकार उस बोलिया तो वो इस तरह लगे था और वो काफ़ी पसंद की होगी। इसी तरह कखा की कुल्ली जिसको मैं पहले जिक्र की हो कि जिसको अवार्ड भी कल्चर अकेडमी की तरफ मैंने मिले तो वो भी एक आम हमारी जड़ी खाना बदोशों की जिंदगी है वे खास करके किस तरह बच्चा ना तालीम पढ़ावे फिर वो बच्चों बाहर चले जाए फिर अगर उसकी शादी की तरह बाहर हो जाए घर वाला जड़ा है वे बेचारा दुखी हो जाए वह चीज़ उसमें जी वह एक दर्शाण की कोशिश की अकासी की गई। अगर वो रेडियो पर ना होता तो फिर खैर रोजी तो अल्लाह ताला ने जितकी लिखी हुई वही उतर की जगह खानी हुआ लेकिन फिर हूँ जिस मैं पहला अर्ज किए थो कि उस्ताद बन गए थो टीचर लगो थो तो फिर शायद हूँ जहाँ पहली मेरी जड़ी तकर्री थी वह गवर्नमेंट हाई स्कूल पनैडम हुई थी तो फिर उत्ते ही किसी इलाका में जहाँ पर टीचर हो तो जाहिर है फिर शायद जम्मू की हवा भी ना लगती है उसे पासे जड़ो वो होता तो लेकिन जब रोजी को मामलों वह सारो मेरी औलाद एक बच्चो एक बच्ची है और बच्चो जड़ो वो खैर संग पहला एक्साइज महकमा में थो हूँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर जड़ो उसकी तकर्री कॉलेज में हुई हुई है जियालॉजी मजमून में
और बच्ची जड़ी है उसने पहला बी टैक की हो फिर एम बी ए की हो और अल्लाह का फजल ना जिंदगी जड़ी है चल रही है। मेरी शादी जड़ी है वह जम्मू तो हुई वैसे मुश्किल था वे जम्मू का नहीं है उनका घर जड़े वे कश्मीर में भी हैं ज़्यादा कश्मीर का बसनीक था पौनी पारखा भी था तो खटाना बरादरी में मेरी शादी हुई तो अच्छो खानदान थो और अच्छा खानदान ना जुड़ गया था आदमी जाहिर है कि मुझ सारी जड़ी अपना में कमी में वे भी दूर हो जाए खासकर हमारी रहत बैत खान पीन जड़ी चीज़ें बोल चाल वह अदबो अदाब वो सिलसिलो वह ये आदमी जड़ो सीखे माहौल भी चू सीखे और मैंने उस हिसाब के नाल जो अच्छो माहौल मिलियो जिसमें मेरी वो जड़ी चीज़ जड़ी है उन्होंने थोड़ी बदली भी थोड़ी जी तरक्की भी की थोड़ी जी उन्होंने बेहतरी भी आई तो इस तरीके का नाल जो जिंदगी को एक सिलसिलो चल रही है। अजद रेडियो मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ो अदारो है और लोगों का दिलों में अज भी बस है अज भी अगर तुम किसी पुराना कहेंगा तो वे कहेंगे जनाब हूँ सिर्फ रेडियो सुनूँगा चाहे खबर सुननी है तो रेडियो पर सुननी है और रेडियो ना असल में एक ऐसो जरियो समझो जाता हो कि जिसमें जनाब जो गल वह सच्ची वह खबर है तो वह सच्ची वहगी गलबात जड़ी कह रहे हैं तो वह जनाब सोलह ने नापी तुली भी वहगी लोग घड़ियों को अगर वक्त मिलावें था तो रेडियो का टाइम के नाल मिलावें था रेडियो पर टाइम बोलें था वे मिलाएं हुए था और रेडियो को एक हूँ तो निकी जी एक मिसाल दूंगो कि मारा इस जम्मू रेडियो पर एक प्रोग्राम शुरू कियो कि हर जिला का प्रोफाइल तैयार करना है प्रोग्राम प्रोफाइल प्रोग्राम तैयार करना तो मीना जनाब मिल गयो ज़िला रजौरी कि तना ज़िला रजौरी के ऊपर ताना प्रोग्राम करना है उर्दू में करना तो जो पूरा स्टेट के ऊपर प्रोग्राम बाद में नशर होना था असफंद यार खान डीसी रजौरी में था उस वेले रोजंगो मीनू थो मेरे नाल एक कैजुअल थो लेकिन उसने सारा अफसर जड़े वे साल गया रखे वहीं तुम पहुँचो तो जनाब तुम यकीन मनेगा जिस इस्लाम उत पहुँचा तो कॉन्फ्रेंस हाल जो वो भरे उतो जितना भी डिस्ट्रिक्ट अफसर वगैरह था वे सारा तो असवंत यार खान ने क्यों जनाब अगर आप 3 बजे तक भी ना पहुँचते तो मैं इनको नहीं उठने देता ये बैठे रहते तो अब बोलो आपने किस किस की रिकॉर्डिंग करनी है तो जनाब कुछ तो जान छिड़कान की गल लगा कर कि जनाब मिन्ना तू काट छोड़ो मेरी रिकॉर्डिंग करो तो बार आने जो मारा ना वस्ता महकमा था जिस बिजली को हो गयो पानी को हो गयो तालीम को हो गयो सड़कों को हो गयो ये कुछ मोटा मोटा जड़ा है वे आने चुने उसमें एक मारो वाकफकार आदमी भी थो तो उसने भी मिन ताजी की जनाब इन्हें से बार कटो मैं क्यों ना तमना नहीं बार कर दो क्योंकि तम अपना बनता है तमना हाईलाइट हमने करना है क्योंकि रेडियो में जो गायकी जी है वह एक बाकायदा टेस्ट वह उस वास्ते जब तक कोई फनकार उस टेस्ट जो पास नहीं होता तब थोड़ी उसकी आवाज़ जी वह नशर नहीं होती तो उस वास्ते बाकायदा फार्म भरना पै फार्म भरने तो बाद जो उसको टेस्ट ली हो जाए आवाज़ को टेस्ट ली हो जाए और बाकायदा बोर्ड वैसा है एक एक्सपर्ट जड़ा मैं जबान को एक्सपर्ट हो गयो और दूजो जो म्यूजिक है ना वो एक्सपर्ट हो गयो फिर जो स्टेशन डायरेक्टर मतलका वैगो वो हो गयो जो म्यूजिक सेक्शन को अफसर थो वो वैसा थो तो उस तो बाद जल्द वे बाकायदा पास हो जाए था उन्होंने जड़े वे लेटर इशू हुए था कि तम भाई पास हो गए हैं लिहाजा आइंदा तम हमारा फनकार है और तम हम बुक करांगा तो उस सिलसिला में जी पहला एक पार्टी हमना लभी वाह शबनम अख्तर बानू तश्कीला तबस्सम बहुत अच्छो ग्रूम कियो इन्होंने आवाज़ लोगों ने पसंद की और हाने भी फिर इन्हें ना हाईलाइट करने की कोशिश की जने रोज़ कोई ना कोई बैत लोग गीत जड़ो इनको बैत हो। रेडियो कश्मीर जम्मू का गोजरी प्रोग्राम की एक कदावर शख्सियत जड़ा माशाल्लाह किसे तारीफ का मोहताज नहीं है मेरी मराद है जनाब हसन दीन परवाज साहब ते मारी मुलाकात सन 1994 में हुई थी मारी पहचान कदे दुनिया में हुई है ते वह रेडियो कश्मीर जम्मू के जरिए हुई जिसमें परवाज साहब को बहुत अहम किरदार रियो है इनकी शफकत ना हम कदे भूल नहीं सकता परवाज साहब काफ़ी अरसा ते गोजरी प्रोग्राम ना सरंजाम दे रिया है और इस जबान ना जमीन ते आसमान तक पहुँचान की कोशिश की आजा के तेरी यादों का मौसम नहीं बदला आजा के तेरी यादों का मौसम नहीं बदला आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मेरे शहर में बस तेरी कमी है बस तेरी कमी है बस तेरी कमी है। बशीर मस्ताना साहब हमारा इसलिए गोजरी का पहला आर्टिस्ट है जरा के ए ग्रेड है और मैंने वो वक्त भी याद है कि बशीर मस्ताना साहब सारंगी ले गया रेडियो फिरे में था लेकिन कोई पूछ कर राजी नहीं था ऑडिशन ही हो रही थी शख्स की
तो किसी तरह आने की ऑडिशन कराई इनकी और फिर एक सिलसिलो गायकी को शुरू हो तो फिर इन्होंने भी एहसास हो कि जनाब अगर मेरी या इस तरह मदद ना होती है तो शायद उन्हीं तोड़ी ना पहुँच तो आ फिर स्टेजों पर इन्होंने ले जाणू फिर बी हाई ग्रेड जो उसकी ऑडिशन दवाने फिर उसमें बी हाई ग्रेड मिलियो फिर बशीर मस्ताना की रिकॉर्डिंग जी दिल्ली आने भेजी ए ग्रेड वास्ते क्योंकि ए ग्रेड जो वो दिल्ली तू मिले थो उ बोर्ड दिल्ली बोर्ड बैसा तो जिसमें मारो कोई अमल दखल नहीं बैठो फिर उत्तू वे जरा ए ग्रेड जरा अलाट करें आर्टिस्ट ना तो मारो गोजरी को वायद एक ही आर्टिस्ट है हूँ थोड़ी जिन्ना ए ग्रेड मिले वो है। इस तो अलावा फिर बाद में और जरा मुजम्मल शाह आ गया गुलनाज चौहान आ गए मोहम्मद शबीर हैं वे आ गया और माजम दी सूफी माजम दीन है वे आया और कुछ जड़िए मस्तूरात की कुछ पार्टी थी वे जड़िए दो तीन आई तो इस तरह जो फिर सिलसिलो ऑडिशन को चलते रहे। खैर याद है कि पेशेंट कोई वह बड़ी मुश्किल वह बड़ी औखी वह लेकिन यह है कि जिस तरह मैं पहला अर्ज किया कि मेरा लिखण का काफ़ी जरा कम पिया हुआ है किताब लिखण का कोई ड्रामा मेरा पिया हुआ है कोई किताब पी हुई है मुझ सारा मवाद में जमा किया जो अधिक्रेडियो पे हुआ है पहले तो उसने मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेध दी इजाज़त दी तो वे मुकम्मल करेंगे बाकी कोई वक्त जो अगर जिंदगी एक बहुत बड़ो हिस्सों में जो है रेडियो ने दिता है तो कुछ थोड़ा बहुत जो कारना भी देंगे है जी कारगी जो बच्चों का मैं गुजारा बाकी समाजी खिदमत जी थोड़ी मुमकिन हो सकी वह भी करेंगे इंशाल्लाह ताला और जिस तरह पहला जबानो अदब वास्ते अपनी जिंदगी वक्फ की अगर भी इंशाल्लाह जो सिलसिलो इसी तरह जारी रहेगा बाकी आज जमानो जो सोशल मीडिया को है सोशल मीडिया पर ही थोड़ा बहुत अपना जो कंट्रीब्यूशन वह भी देने की कोशिश करता रहेगा ताकि जड़ी तुम देखें किस तरह की बड़ी रला वाली चीज़ जी वे गोजरी का नाम पर चढ़ी जा रही हैं यानी गोजरी का लफाफा में तुम कुछ भी बंद करो चलेगा तो लोगों ने जो सिलसिले शुरू की होगा तो कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम जिस जबान में या जिस प्रोग्राम को थारो फॉर्मेट है देनू चाहे वो ही होना चाहिए। ज्यादा कोसर ऑल इंडिया रेडियो जम्मू ते गोजरी प्रोग्राम पेश करूं ते हसन परवाज साहब ने ना सिर्फ मिन्ना बल्कि जितना भी गोजरी प्रोग्राम पेश करने वाला है उन्होंने बड़ी हमदर्दी और दिलचस्पी के नाल लिखनू पढ़नू और बोलनू और प्रोग्राम पेश करनू सिखायो। मसूद आवान कंपेयर गोजरी सेक्शन लेकिन मारा नाल उनको जो जाती तालक इस रेडियो ब्रांड तो बाद रहे वो इस रंग थो कि जिस रंग वो एक बेहतरीन हमदर्द मुशफक उस्ताद वह या एक वालद के अंदर जी औलाद ना तरबियत देने की वास्ते एक हमदर्दी वह तो उस राह हमने उन्होंने पाए और हम दुआ करेंगे कि हसन परवाज साहब जी उनकी रहती जिंदगी है वह अमन चैन सलामती वाली जिंदगी अल्लाह पाक उन्हें अता करे और उनका शफकत को जो हाथ है वो हमारा सिरवरता देर कायम रहे। वो अनीसा करीम पिछले कई सालों तू ऑल इंडिया रेडियो जम्मू तू गोजरी प्रोग्राम पेश करूँ और हसन सर की सरबराई में जितना भी वक्त गुजरियो उसना कदे भुलाए नहीं जा सकते और यह हमारी ये खुश नसीबी है कि आमना प्रवास सर जैसा हेड नसीब होया और इस दौरान हमारे अंदर काफ़ी जड़ी कमी पेशी है सर ने उन्होंने दूर करने में हमारी मदद की जिस तरह की एक बच्चा ना अंगली पोड़ या रस्तों दस्यो जाए इस तरह सर ने उन्होंने दस्यो कि किस तरह प्रोग्राम बनाना है और किस तरह पेशकश करनी है। मुख्तार अहमद बोल रहा हूँ ऑल इंडिया रेडियो जम्मू कंपेयर गोजरी प्रोग्राम को अल्लाह ताला ने कर्म किया था कि ताए दा परवाज साहब ने हाथ पकड़ गया इस तरह सिखायो जिस तरह एक माँ अपना बच्चा ना टूरना सिखावे या गल करना सिखावे। मैं शातिया परवीन रेडियो आर्टिस्ट आकाशवाणी जम्मू के फोक सिंगर हाँ गोजरी फोक सिंगर हाँ असन सर का बारह माँ यही कहना चाहूँ कि सर एक कौमी शख्सियत है उन्होंने बारह माँ इतना छोटी सारी वीडियो में करना तो बहुत बड़ी बात है नहीं कह सकते बंद लेकिन इतना है कि सर ने रेडियो के जरिए एक हमारी कम्युनिटी की एक बेलोस खिदमत की है और सर की सब तो बड़ी बात प्लस पॉइंट कि सर एक हर इंसान ना आगे ले जाने की कोशिश करें चाहे उसमें हमारा जैसा ये नवा आर्टिस्ट हो के। मेरा नाम बैदुर रहमान है हूँ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ यूनिट जम्मू नाल जुड़े हुआ। हसन परवाज साहब की शख्सियत अपना आप में एक बड़ो ना है उन्होंने रेडियो कश्मीर जम्मू में आ गए हम सब नाल बहुत ज़्यादा हमदर्दी से शफकत को मुजाहरा कियो रेडियो कश्मीर जम्मू के बिच खबरों नाल जुड़न के बाद हमने उन्होंने बहुत कुछ सीखे और उन्होंने खुद हाथ पकड़ गया हमने लिखना भी और उसके बाद माइक पर आ गए खबर बोलना भी उन्होंने सिखाया। माशाल्लाह हूँ बहुत खुश हाँ हूँ अपनी जिंदगी तो माशाल्लाह बहुत मुतमईन और खुश हाँ अल्लाह ताला ने मिना बाइज्जत जड़ी वह जिंदगी दी बड़ा अच्छा लोगों में उठन बैसन रहे हो लिटरेरी लोगों में जो उठन बैसन रहे हो
इसलिए गुजर तबका में जितना भी पॉलिटिशियन है सियासतदान है सब के नाल राबतो रहे हो, सब के नाल अच्छा तलकात रहा, जितना ऑफिसर भी ना अपना स्टेशन पर मिले बहुत अच्छा मिले और गोजरी की कदर करने वाला मिले। नवी नस्ल का बारे जनाब मेरी गुजारिश यह है कि जड़ो वो जमानो 70 तो पहला गो थो जिसलै हम हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुँचा था लोग डर डर के गोजरी बोले था, छप लुक के बोले था, सामने नहीं बोले था, लिखे नहीं था। और आज मिलने लगा कि वो दौर मुड़ के दोबारा आए लगो, वो नवी नस्ल जड़ी है अपनी जबान ना छोड़ के दूजी जबान ही मगर ज़्यादा पई हुई है। और जो मारो गोजरी को मसलो नहीं, हर जबान के नाल जो मसलो आ रहे हैं, डोगरी वाला अपने रोवें, कश्मीरी वाला अपने रोवें, पहाड़ी वाला अपने रोवें और बाकी जी इलाकाई जबान है वे अपने रोवें लगाव के जनाब उर्दू हिंदी अंग्रेजी का पिछा बच्चा पे आवे जिन्हें माँ बोली सिरू नहीं आती। तो मेरी गुजारिश यह रहेगी कि जड़ी नवी नस्ल है वह जड़ी मर्जी जबान सीखे, जबान सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी माँ बोली जो माँ को दुध पियो वो है उसने कम अज़ कम याद रखे। तो वो कहें ना कि अपना दरवटनी को रस्तो जो तुम जिस बाहरों जाकर पूछेंगा लो तो उसलै थारी सूरती हाल की होगी, अपना घर को अपना बुआ को रस्तो जो वो याद रखना है तो जिसने जड़ों की शनाखत रही तो इंशाल्लाह वे जड़ जड़ियाँ कदम कमज़ोर नहीं हो सकें, वो बूटों कदम लिफड़ नहीं लगो और वो बूटों मजबूती के ना खड़े रहो। तो मारी जड़ मारी इस जबान में है, मारी इस पहचान में है, मारी यही शान है, मारो यही मान बढ़िया है।